न्यूट्रल की पहचान करना, फिर अर्थ और फेज के मध्य क्या संबंध है, न्यूट्रल और फेज के मध्य क्या संबंध है, ये सारी चीज आपको चेक करनी है। सबसे पहले अपने पास एक फेज टेस्ट है, फेज टेस्ट से पहचान कर सकते हैं कौन सा फेज है कौन सा न्यूट्रल है। जैसे आप इसके पीछे ग्लो जहाँ लैम्प ग्लो हो रहा है, नियॉन लैम्प ग्लो हो रहा है, ये फेज आर फेज वाई फेज बी फेज, और ये आपने यहाँ ग्लो नहीं हो रहा है नियॉन लैम्प, ये हो गया न्यूट्रल, ठीक है, और ये अर्थ। अब आपको दो पेंडेंट होल्डर को सीरीज में कनेक्ट करके उसके अंदर 40 वाट या 100 वाट के दो लैंप लगा के आप चेक करोगे प्रत्येक फेज और न्यूट्रल के मध्य। मान लो ये न्यूट्रल है और ये फेज, न्यूट्रल फेज के मध्य लैंप थोड़ा मंद ग्लो करेगा, न्यूट्रल और फेज के मध्य मंद करेगा, न्यूट्रल और फेज के मध्य मंद ग्लो। अब दो फेजों के मध्य लैंप पूर्ण प्रकाशित होगा यानी चमकदार होगा, यानी रेड और येलो के मध्य देखो लैंप पूर्ण ग्लो हो रहा है यानी चमकदार प्रकाशित हो रहा है। दो फेजों के मध्य फिर चेक करो येलो और ब्लू के बीच में। अब देखो एक अर्थ और प्रत्येक फेज के साथ चेक करो आप, देखो लैंप भी प्रकाशित हो रहा है इसमें, देखो वापस ये फेज और अर्थ के मध्य, और न्यूट्रल और अर्थ के बीच में लैंप ग्लो नहीं करेगा, तो ये देखो कोई प्रकार का ग्लो नहीं कर रहा है। यानी दो फेजों के मध्य जो वोल्टेज नापी जाती है उसे लाइन वोल्टता पंक्ति वोल्टता कहते हैं, फेज और न्यूट्रल के मध्य नापी जाती है उसे फेज वोल्टेज कहते हैं। अब आप इसे लैंप विधि के द्वारा भी फेज और न्यूट्रल की पहचान कर सकते हो, फेज टेस्टर से भी पहचान कर सकते हो, डिजिटल मल्टीमीटर के द्वारा भी फेज और न्यूट्रल, सिंगल फेज की जब सप्लाई आप चेक करोगे तो 250 वोल्टेज बनाएगा, और थ्री फेज चेक करोगे तो 415 वोल्टेज डिजिटल मल्टीमीटर बताएगा। और इसके अलावा एक वोल्ट मीटर के द्वारा भी आप सप्लाई की उपस्थिति चेक कर सकते हो, यदि 240 वोल्टेज या 250 वोल्टेज बता रहा है तो सिंगल फेज वोल्टेज, और दो फेजों के मध्य चेक करोगे तो 415 वोल्टेज 430 वोल्टेज के लमसम ये वोल्ट मीटर बता रहा है। तो इस प्रकार से एक बंद आप चेक कर सकते हो फेज और अर्थ के मध्य संबंध, न्यूट्रल और फेज के मध्य संबंध, एक एक बंदा चेक कर सकते हो, ठीक है।